बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत किंगस्टन ड्रोन 1 शारजा से, जहां पे पावर प्ले क्लैश ऑफ टाइटन के सिलसिले में आज एक बड़ा और फाइनल मैच है दो बड़ी टीमों के दरमियान। राइजिंग बेंडर्स और स्काई वॉकर्स दोनों कैप्टन मैच ऑफिशियल हमारे साथ मौजूद है टॉस करने के लिए। हेड इज द कॉल इज हियर। वेलकम सर, गुड इवनिंग। आज एक बड़ा मैच है, फाइनल मैच, राइजिंग बेंडर्स का गेम टॉस जीता, क्या डिसीजन है? हमने पहले बैटिंग करने के लिए, क्या रीजन हो सकते हैं इस बड़े मैच में पहले बैटिंग करने का? हमने बीच में पूरा मैच बैटिंग पहले करके विन हो गया था, इस वजह से हमने बैटिंग करने का। टारगेट कितना तक देना चाहेंगे इस फाइनल मैच में? ये तो एक राउंड में 230 करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप लोग खेलते आ रहे हो और हर मैच में जैसे ही आप बोलते हो 200 ही करना है, ऑलमोस्ट कर जाते हो, तो आज के लिए फ्लाइंग 11 किस तरह बने? बैटिंग डिपार्टमेंट पे ज्यादा भरोसा है या बॉलिंग पे? नहीं, बैटिंग डिपार्टमेंट मेरे को ज्यादा भरोसा है, इसके लिए मैं यही स्कोर बोल रहा हूँ। आप ही बॉलिंग भी थोड़ा अच्छा हो गया था तो 230 करना पड़ेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये थे हमारे साथ स्काई वॉकर्स के कैप्टन, जो कि अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। राइजिंग बैंडर्स के कैप्टन हमारे साथ मौजूद थे, वेलकम कासिम भाई। आज खास हारने के बाद फाइनल मैच के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मैं टॉस जीत के भी हम लोग चेस नहीं कर रहे, बिकॉज इस टूर्नामेंट में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने चेस करके ही सारे मैचेस जीते हैं। एक बार हम लोगों ने पहले बैटिंग करी थी, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए थे। तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग हमारी हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है। हमारी कोशिश होगी कि 150-160 में रोके, एंड हमारे पास बैट्समैन थोड़े अच्छे हैं, फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और वो परफॉर्म करेंगे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, टॉस हमारे फेवर में गया, जो चाहिए था डिसीजन वही मिला हमें। प्लेइंग 11 के बारे में क्या कहेंगे आज के मैच के लिए, किस तरह प्लेइंग 11 बनाया हुआ है? प्लेइंग 11 हमारा सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिवाय एक बैट्समैन के जो अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पा रहे, उसको फीवर हो गया है, बट उसके यहाँ पे आसिफ आ गया है। तो हमारी प्लेइंग 11 में हमारा बैटिंग अच्छी है, अच्छी हमारी डीप बैटिंग है हमारे पास, बॉलिंग में भी अच्छी है, और बस फील्डिंग में हमें फोकस करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग में लास्ट में हम लोगों ने काफ़ी कैच छोड़े थे इनके, और उसके वजह से इन्होंने अच्छा स्कोर किया था 250। तो इस बार पूरी कोशिश होगी कि हम लोग अपनी फील्डिंग अच्छी करें, कैचेस ना छोड़ें, और इनको रोके जल्द से जल्द अच्छे स्कोर पर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये थे हमारे साथ राइजिंग बैंडर के कैप्टन सुधीर, स्टूडेंट दिस फाइनल मैच इन बिग मैच कैप्टन स्काई वॉकर्स वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू गेट टॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामईन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक मरतबा फिर शेरखान आप लोगों की खिदमत में हाजिर किंगस्टन ग्राउंड 1 शारजा से, जहां पे पावर प्ले क्लैश ऑफ टाइटन के सिलसिले में आज एक बड़ा और फाइनल मैच दो बड़ी टीमों के दरमियान, स्काई वॉकर्स और ब्लाइजिंग बैंडर्स। स्काई वॉकर्स के कैप्टन ने आज टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। दोनों सलामी बल्लेबाज निकिल और शबीर अली क्रीज पे मौजूद,
एक ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, दूसरे ओवर का खेल जारी। 11 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस। असगर अज़ीज़ी यहाँ पे तीसरे गेंद के साथ आई गेंद की और यहाँ पे गेंद को खूबसूरत तरीके से ड्राइव करने में कामयाब रहे ऑफ साइड पे और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। एक और चौका यहाँ पे, स्कोर मूव्स ऑन 15 विदाउट लॉस। 10 रन पर ओवर के हिसाब से यहाँ पे रन बना रहे, एक अच्छा आगाज यहाँ पे लिया हुआ है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। दोनों टीमों के साथ अच्छे ऑलराउंडर मौजूद, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा आई होप। इसमें बकलाई के सहारे खड़े खड़े इस गेंद को खेलने में कामयाब रहे। बेड आपकी पोजीशन पर दबड़ कर एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट जारहान अंदाज से इस गेंद को खेलने की कोशिश, इधर पर टाइम नहीं कर पाए। दूसरे रन के लिए वापस दोनों बैट्समैन और आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल। अच्छी रनिंग है बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों के दरमियान। लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड हुआ, असगर अज़ीज़ी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, सामने करेंगे निखिल। इसमें जारहाना अंदाज से खेलना चाहते थे, बीट हुए गेंद आई विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल ओवर मुकम्मल आफ्टर 2 वह 18 विदाउट लॉस। लबीब अहमद यहाँ पे अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद के साथ। अभी तक 6 रन दे चुके हैं अपने पहले विकेट की तलाश में। इसमें थोड़ा अच्छी शॉट एक्स्ट्रा कवर कंपिटिशन पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, जिसके नतीजे में रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने। दूसरे रन के लिए वापस जल्दी करनी पड़ेगी। थ्रो कम्स इन कंप्लीट 2 मोर रन्स। इस मरतबा जारहाना शॉट शबीर अली की जानिब से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरी मैक्सिमम। पहला चक्का। लबीब वंस अगेन आई गेंद की, इस मरतबा अच्छी गेंदी कलाई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को गेंदने में कामयाब रहे ऑन साइड पे। तीरी के साथ एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट। अभी तक इस टूर्नामेंट में 341 बाउंड्री लग चुके हैं, 159 सिक्स लग चुके हैं। करन रन रेट इस वक्त 10.13।
पांचवी गेंद के लिए लबीब अहमद राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर के पास पहुंचे गेंद की और इसमें तब अच्छी शॉट एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर बट गुड फील्डिंग रन बनाने का मौका नहीं दिया बैट्समैन को डॉट बॉल लास्ट बॉल अभी थर्ड हुआ और यहाँ पे ऊंचा शॉट टॉफ एज लगा थर्ड मैन की पोजीशन पर गेंद आई अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई जरूर और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई चार रन का इशारा अंपायर की जानिब से ओवर मुकम्मल आफ्टर थ्री हुआ 31 विदाउट लॉस असगर जैदी टू कंटिन्यू लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट इसमें तबाह गेंद आई पाइंडिक की पोजीशन पर रन बनाने का मौका नहीं डॉट बॉल और इसमें तबाह पैड पे लगी गेंद लेकिन लेफ्ट आर्म को मिस कर रही थी एक और डॉट बॉल गुड बॉलिंग फ्रॉम असगर जैदी असगर जैदी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट वंस अगेन आई गेंद की यहाँ पे इसी तरह टाइम नहीं कर पाए गेंद को स्लिम रन की पोजीशन पर फील्डर मौजूद रन बनाने का मौका नहीं एक और डॉट बॉल इसमें तबाह गेंद को खेलने में कामयाब रहे थर्ड मैन की पोजीशन पर फील्डर के पास से गुजरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई एक और चौका यहां पे शबीर के बल्ले से स्कोर मूव्स ऑन 39 विदाउट लॉस करण रन रेट है 10.17 एक अच्छा आगाज फराहम किया है दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी गेंद के साथ असगर जैदी अभी तक 20 रन दे चुके हैं दूसरे ओवर के आखिरी बॉल के लिए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट शॉर्ट रन आपके साथ सामना करेंगे शबीर अली 22 रन पे नॉट आउट लक्ष्म से बाहर थे अगेन जारिहाना अंदाज से खेलना चाहते थे अगेन खेला क्यों मिस किया दौड़ कर रन कंप्लीट किया अंपायर का इशारा वाइड बॉल दो रनों का इजाफा स्कोर में असगर जैदी वंस अगेन आई गेंद की इसमें तबाह खिलाड़ी का इस्तेमाल पाए लेकिन पोजीशन पर दबड़कर एक रन मुकम्मल किया दूसरा रन के लिए वापस और दूसरा रन भी मुकम्मल इसी के साथ ओवर मुकम्मल आफ्टर 4 हुआ 43 विदाउट लॉस इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे टॉप पोजीशन पर बैटिंग साइड से है शबीर अली जो कि अभी क्रीज में मौजूद है 22 रन के साथ नॉट आउट है अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में 5 इनिंग्स के लिए है 425 रन बना चुके हैं
सबसे टॉप पोजीशन पे जा रहे हैं, जबकि सेकंड पोजीशन पे है आबिद इलेवन स्केप्स की तरफ से, और थर्ड पोजीशन पे है लबीब अहमद जो कि अपोनेंट में है ब्लाइजिंग बैंडेक्स के साथ 222 रनों के साथ। लेकिन उसके और शबीर अली के माबेन बहुत बड़ा फासिला बॉलिंग में तब्दीली, इमरान को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए, इसका 5वां हुआ। बॉलिंग में अभी तक सबसे टॉप पे है ब्लाइजिंग बैंडेक्स के कैप्टन कासिम अब्बास, 6 इनिंग्स में 7 विकेट ले चुके हैं, जबकि सेकंड पोजीशन पे है मोहन्नत पीडब्ल्यू थंडर की तरफ से, और थर्ड पोजीशन पे है स्काई वॉकर्स की तरफ से चंद्रू। तो आज कासिम अब्बास और चंद्रू के बीच में एक कंपटीशन बॉलिंग के लिए। मैन ऑफ द सीरीज में शबीर अली सबसे आगे है, और इमरान की पहली गेंद फुल टॉस उठा के खेले मिड विकेट की पोजीशन पर एक लंबा चक्का, चक्के के साथ इस्तकबाल किया इमरान का। जबकि मैन ऑफ द सीरीज पे लबीब अहमद भी एक कंपटीशन के लिए यहाँ पे मद्द मुकाबिल शबीर अली के, लेकिन शबीर अली के पॉइंट बहुत ही आगे। मैक्सिमम सेक्स में सबसे आगे है शबीर अली, 28 सेक्स लगाए, जबकि लबीब अहमद उसके साथ कंपटीशन में है 22 चक्कों के साथ दूसरी पोजीशन पर। तो आज दोनों एक दूसरे के आमने सामने, एक ज़बरदस्त मुकाबला इस वक्त जारी किंगस्टोन ग्राउंड 1 शारजा पे, और यहाँ पे बैटिंग में मैन ऑफ द सीरीज़ पे, बॉलिंग पे ज़्यादा चक्के लगाने वाले में से प्लेयर्स में एक दूसरे के साथ एक कंपटीशन जारी। इमरान वंस अगेन, और इसमें तबाफ से काफ़ी बाहर थी अगेन, अंपायर गोस्ट पर द सिग्नल वाइड बॉल। पचास रन की पार्टनरशिप ओपन दोनों बैट्समैनों के दरमियान बन चुकी है 4.1 ओवर में। सो एक अच्छा मैच, एक अच्छा मुकाबला इस वक्त जारी किंगस्टोन ग्राउंड 1 शारजा पे, जहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है तीसरा कप क्लैश ऑफ हॉट टाइटन। अनदर वाइड बॉल ऑप्शन से काफ़ी बाहर जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर आकाश इंग्लिश व किंगस्टोन ग्राउंड 1 शारजा पे, और जिसके फाइनल में इस वक्त मद्द मुकाबिल स्काई वॉकर्स सीसी और ब्लाइजिंग बैंडे। स्काई वॉकर्स ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, दोनों सलामी बल्लेबाज शबीर अली और निखिल इस वक्त क्रीज पे मौजूद, और 4.1 ओवर में 50 रन की पार्टनरशिप बना चुके हैं। इसमें तो वाशरूम से बाहर थी गेंद, जारिहान अंदाज से इस गेंद को खेलने में कामयाब रहे कवर के पोजीशन पर, और अंपायर का सिग्नल मिला 4 रनों का। सो अभी तक 2 गेंदों पे 12 रन्स दे चुके हैं इमरान, अच्छी शुरुआत नहीं यहाँ पे इमरान की। राइट आर्म राउंड द विकेट, इमरान वंस अगेन सामना करेंगे शबीर अली, 32 रन पे नॉट आउट, 14 गेंदों का सामना किया है जारिहाना मूड में दराज खत के मालिक। और इसमें तबाह कलाई का इस्तेमाल, गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन यहाँ पे के चलने में कामयाब रहे फील्डर, और जिस विकेट की तलाश थी आखिरकार मिल गई यहाँ पे इमरान को, पहली कामयाबी हासिल की अपनी टीम के लिए और एक बड़ी कामयाबी हासिल की। एक बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा, पहला नुकसान स्काई वॉकर्स के लिए शबीर के बल के सूरत में, शबीर यहाँ पे 32 रन बनाने के बाद आउट होकर पबिलिंग की तरफ वापस। सो 55-1 आफ्टर 4.3 हुआ। फयाद अबू बकर इज द न्यू मैन, 160 मैचों में 141 इनिंग्स के साथ 3000 प्लस स्कोर बना चुके हैं। सामना करेंगे इमरान की,
चौथी गेंद का। पहले गेंद पुश करना चाहते थे, नाकाम रहे, थोड़ी सी स्विंग मिली यहाँ पे बॉलर को, बाहर की जारी बू हुई गेंद आई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। टास्क के टाइम पे जब बोथ कैप्टन के साथ हमारी बात हो रही थी तो स्काई वॉकर्स कैप्टन का कहना था कि हमारी साइड बहुत अच्छी है और बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, 200+ हम स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे, कम से कम 230 तक था ताकि एक अच्छा मैच देखने को मिले और बाद में हम लोग डिपेंड कर सके। इमरान वंस अगेन, इसमें तब कटखट भी कामयाब रहे, और साइड पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं, डार्ट बॉल, बट कि उसके अगेंस्ट ब्लेजिंग मेंडेस कासिम अब्बास के कैप्टन कासिम अब्बास का कहना था कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि 140-150 तक इसको रिस्ट्रिक्ट करें ताकि हमारे लिए चेसिंग में आसानी है और उसके साथ भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, ख़ासतौर पर लबीब के और हसन फाजिल की सूरत में एक दो अच्छे बैट्समैन और आसिफ रज़ा भी उसके साथ है। इसमें तब पुलटस बना थे भी गेंद को खेलने में कामयाब रहे, लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर और तीर के साथ एक रन मुकम्मल किया। ओवर मुकम्मल आफ्टर 5 हुआ 56/1। बॉलिंग में तब्दीली, फ्रेंच को बुलाया है यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए। पहले गेंद डॉट बॉल, सामना करेंगे फयाद अबू बकर। फ्रेंड्स वंस अगेन आई गेंद की, इसमें तबा गेंद को कट करने में कामयाब रहे, ऑन साइड पे दबड़ कर एक रन मुकबल गया, स्ट्राइक रोटेट 58 ऑन द बोर्ड फॉर द लास्ट ऑफ 1 विकेट। पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी, करन रन रेट है इस वक्त 10.55। अगर इस तरह से खेलते रहे तो 210+ स्कोर बना सकते हैं। अच्छी गेंद थी, विकेट में आने वाली इस गेंद को दीपाइंदा से काट के और तीर के साथ रन मुकम्मल किया, स्ट्राइक रोटेट। फ्रेंड्स वंस अगेन राइट आर्म ओवर द विकेट, पास टू अंपायर इन बॉल और यहाँ पे जारहाना शॉट मिड विकेट की पोजीशन पर, खेलने में कामयाब रहे निखिल, मैक्सिमम एक और चक्का।
छः रन की इजाफे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65। लास्ट बॉल ऑफ द पावर प्ले, पहले बॉल डॉट, फिर सिंगल 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 और इस मरतबा छक्का लगाने में कामयाब रहे निखिल। सो लास्ट बॉल ऑफ द पावर प्ले, प्रिंस विल बी बॉल टू निखिल, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट रन आपके साथ। इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं मिस्टर सैयद हाकान मुश्ताक गुरफे काका, और उसको ज्वाइन कर रहे हैं उसके साथ मिस्टर सनी। आप सबसे काफ़ी बाहर थे, गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर, पायलिंग की पोजीशन पर गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गया, अंपायर के इशारा वाइड बॉल, और यहां पे 5 रन मिलेंगे सरकारी तौर पर। इस मतलब अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रही, हल्के से कटकटे भी कामयाब रहे और तीर के साथ यहाँ पर रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए वापस ओवर थ्रो के नतीजे में दूसरा रन भी मुकम्मल, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों के दरमियान। इसी के साथ ओवर मुकम्मल आफ्टर पावर प्ले 72 फॉर द लास्ट ऑफ 1 विकेट। इमरान टू कंटिन्यू, इट इसका 7वां हुआ, 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन बना रहे दोनों बैट्समैन। 27 रन पे खेल रहे निखिल, जबकि अभी अभी बैटिंग के लिए आए हैं, 3 रन पे नॉट आउट है अबू बक्का। अच्छी गेंद थी, बल्ले के करीब से गुजरते हुए गेंद आई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। इमरान राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास पहुंचे गेंद की, और यहां पे गेंद को कट करने में कामयाब रहे, पॉइंट की पोजीशन पर दबड़ कर एक रन मुकम्मल किया, स्ट्राइक रोटेट निकल अब स्ट्राइक पे। इस मरतबा थोड़ी सी नीचे रही है गेंद, कटकट भी कामयाब रहे ऑफ साइड पे, दबड़ कर एक रन मुकम्मल किया, स्ट्राइक रोटेट। चौथी गेंद के साथ इमरान सामना करेंगे इस मरतबा फयाद अबू बक्का, दबड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, और यहाँ पे पुटास बनाते हुए गेंद को खेलने में कामयाब रहे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरी मैक्सिमम, पहला छक्का अबू बकर के बल्ले से जो आगाज़ फराहम किया था यहाँ पे शबीर अली ने, उसका भरपूर फायदा उठाने में मसरूफ़ है इस वक्त निकले वाला अबू बकर। दोनों रन से अच्छे स्कोर आ रहे हैं, इमरान एक मरतबा फिर 5वें गेंद के लिए, इस मरतबा
आखिरी मोमेंट पे गिरने में कामयाब रहे। स्कॉलिंग के विदेशन पर एक रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट, ये एक अच्छी तकनीक के साथ बैटिंग जारी। इस वक्त दोनों बैट्समैनों के दरमियान बड़े शॉट के बाद फौरन सिंगल रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं और दूसरे पार्टनर को मौका देते हैं, तो ये एक अच्छी खासियत है। इसी अंदाज से बैटिंग करना चाहिए। लास्ट बॉल ऑफ द सेवन, तो वो इसमें तब जरहाना शॉट, टॉफ एज लगा, गली की पोजीशन पर गेंद आई और एक ही रन पे इतफाक करना पड़ा। ओवर मुकम्मल आफ्टर सेवन हुआ 82/1। बॉलिंग में एक और तब्दीली, हसन फाजिल को बुलाया है यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट स्पिन बॉलर, विकेट टेकर बॉलर है ब्लेजिंग बेंडर्स के लिए। जब भी पार्टनरशिप बन जाते हैं तो हसन फाजिल के ऊपर इतिमाद करता है कैप्टन और आलमोस्ट वो इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब भी रहते हैं बहुत ज़्यादा मैचों में। आज देखना पड़ेगा कि किस तरह अपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं हसन फाजिल। सामना करेंगे निखिल जो कि ओपन करने के लिए आते हैं। 29 रन्स में नॉट आउट है, 17 गेंदों का सामना कर चुके हैं। पहले गेंद ऑप्शन से बाहर, इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। इसमें तब जारिहाना शॉट, एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर अच्छी फील्डिंग, एक रन मिलेगा। अच्छी शॉट, इसमें तब रूम बना के गेंद को खेलने में कामयाब रहे। मिड विकेट की पोजीशन पर मैक्सिमम गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरी। एक और छक्का, 35 रनों की पार्टनरशिप 19 गेंदों पे दोनों बैट्समैनों के दरमियान इस वक्त बन चुकी है। अच्छी गेंद थी, इसमें तबाह विकेट में आने वाली इस गेंद को दीपाइंदा से कट करने में कामयाब रहे निखिल। दबड़ कर एक रन मुकम्मल किया, स्ट्राइक रोटेट। जरिहाना शॉट, ब्यूटीफुल टाइमिंग, लॉन्ग के ऊपर से एक और चक्का पयाद अबूबकर के जानिब से, एक कामयाब ओवर यहाँ पे अख्ताम पजीर जिसमें 15 रन्स बने। ओवर मुकम्मल आफ्टर 8 हुआ 97/1। बॉलिंग में तब्दीली और यहां पे कैप्टन कासिम अब्बास खुद आया है बॉलिंग करने के लिए। इस पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
कासिम अब्बास वंस अगेन यहाँ पे गेंद को खेलने में कामयाब रहे। ऑन साइड पे निखिल, फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट, अजहर जैदी को वापस लेके आया है बॉलिंग करने के लिए। सामना करेंगे निखिल, 38 रन पे नॉट आउट। और यहाँ पे पहले गेंद को उठा के खेलने में कामयाब रहे। लॉन्ग ऑक्यूपोजिशन पर मैक्सिमम एक और चक्का, और इस चक्के के साथ इनिंग्स के 100 रन मुकम्मल। 104 पर दिलास ऑफ वन विकेट। करण रन रेट है इस वक्त 11.35। जो आगाज़ यहाँ पे फराहम किया था शबीर अली ने, उसको कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे भरपूर फायदा उठा रहे दोनों बैट्समैन। इसमें तो व्यापार बढ़ाकर इस गेंद को पुश करना चाहते थे। बीट हुए गेंद आई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल, गुड कमबैक फ्रॉम असगर जैदी। लिपटाम राम द विकेट एक मरतबा फिर तीसरे गेंद के लिए। स्लो वन, सही तरह पर टाइम नहीं कर पाए। पॉइंट की पोजीशन पर गेंद आई और एक ही रन पे तिपा करना पड़ा। 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल दोनों बैट्समैनों के दरमियान गुज़िश्ता 5 ओवर में। अच्छी शॉट, ब्यूटीफुल टाइमिंग, लॉन्ग ऑक्यूपेशन पर, लेकिन यहाँ पे फील्डर मौजूद थे, सीधा फील्डर के पास गेंद आई और यहाँ पे कैच लेने में कामयाब रहे। इस 50 रन के पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब रहे असगर जैदी। दूसरा नुकसान उठाना पड़ा स्काई वॉकर्स को। और यहाँ पे अबू बकर आउट होकर पवेलिंग की तरफ वापस। 105 पर दिलास अप 2 आफ्टर 9.4 हुआ।
जीतू बाबू जी इज द न्यू बैट्समैन, पहले गेंद पे सिंगल रन लेने में कामयाब रहे। स्ट्राइक रोटेट, लास्ट बॉल ऑफ द 10th ओवर, 106 for 2। जी साजिद भाई, मैं साजिद भाई खुद जाता हूँ ग्राउंड में। कलाई का इस्तेमाल ऑन साइड पे तीरी के साथ एक रन मुकम्मल किया। ओवर मुकम्मल आफ्टर 10 हुआ, 107 for 2। कासिम अब्बास टू कंटिन्यू, पहले गेंद विकेट में आने वाले इस गेंद को दीपाइंदा से खेले निकिल। 46 रन पे नॉट आउट है, 29 गेंदों का सामना कर चुके हैं, ओपन करने के लिए आए थे। यहाँ पे ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, लेकिन यहाँ पे कैच लेने में नाकाम रहे। चांस मिल गया यहाँ पे निकिल को।
आफिल फदिल बिफोर इज गॉन। विक्स निभाने वाले इस गेंद को बैक फुट भी जाके कट करना चाहते थे, पैड पीले की गेंद और यहाँ पे आफिल की ज़बरदस्त लेग बिफोर की और अंपायर ने आउट करार दिया। तो यहाँ पे निकल के इनिंग्स का खातिमा और जिस विकेट की तलाश थी आखिरकार मिल गई यहाँ पे कासिम अब्बास को। जिस तरह नुकसान उठाना पड़ा स्काई वॉकर्स को 109 के मजमू स्कोर पर। एक कामयाब ओवर यहाँ पे अख्ताम पजीर कासिम अब्बास का, जिसमें विकेट लेने में कामयाब रहे आफ्टर 11 हुआ 110 फदिल असद 3। अजहर जैदी वंस अगेन और इसमें तब आप पर गेंद कट करने भी कामयाब रहे लेकिन फिल्टर मौजूद रन बनाने का मौका नहीं। डॉट बॉल
पाकिस्तान में बिजनेस के हालात नहीं है भाई, पाकिस्तान के हालात की कुछ नहीं है तो पाकिस्तान लास्ट बॉल ऑफ द 12th ओवर। पाकिस्तान में फटे भी जब होते हैं ना ग्राउंडों में तो अगले फिर क्लाशनकोफ ले जाते हैं, ये भी देंगे। इसमें तो स्टे ड्राइव लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर बल्ले चल जाते फील्डर यहाँ पे मौजूद थे लबीब अहमद, गेंद को पिन करने में कामयाब रहे और इसी आसना में एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने। सुधीर बाबू जी जेन्यू बैट्समैन इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, जीतू को आफ्टर 12 हुआ 113 फॉर द लास्ट ऑफ 3 विकेट। करण रन रेट है इस वक्त 9.42। इस मरतबा लोअर गेंद कट करने में कामयाब रहे ऑन साइड पे, दबड़ कर एक रन मुकबल किया। कासिम अब्बास इस वक्त अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, अभी तक 4 रन की वजह 1 विकेट ले चुके हैं अपने तीसरे ओवर के साथ। अभी तक इस टूर्नामेंट में बॉलिंग के लिहाज से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर है कासिम अब्बास, 8 विकेटों के साथ सरफहरिस्त। सामना करेंगे जीतू, सीधे पर टाइम नहीं कर पाया, ऑन साइड भी गेंद आई, डॉट बॉल, रन बनाने का मौका नहीं। अच्छी गेंद थी यहाँ पे कट करने में कामयाब रहे, लेकिन स्लिप की फील्डर के पास से गुजरती हुई गेंद आई तालमेन की पोजीशन पर, दूसरे रन के लिए वापस और तीसरे रन के लिए भी बाग फड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रनों का इजाफा इस वक्त। सुधीर अब स्ट्राइक पे, सामना करेंगे कैप्टन कासिम अब्बास का, चौथी गेंद के लिए अपने तीसरे ओवर की, राइट आर्म ओवर द विकेट स्पिन बॉलर। अच्छी गेंद इस वक्त, थोड़ी सी तेज रखी अपनी बॉल की रफ्तार को, बीट कर दिया बैट्समैन को, डॉट बॉल। इस वक्त बाजार हान अंदाज इस गेंद को खेलना चाहते थे, तो टाइम नहीं कर पाए, ऑफ साइड पे गेंद आई, 1 रन मिलेगा। हल्के से इस गेंद को कट करने में कामयाब रहे, लेकिन रन बनाने का मौका नहीं, डॉट बॉल, ओवर मुकम्मल। आफ्टर 13 हुआ 118 फॉर द लास्ट ऑफ 3 विकेट। इमरान को दोबारा बुलाया है बॉलिंग करने के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। सामना करेंगे सुधीर, इन इसका ये 14th ओवर जारी, करंट रन रेट है 9.08। अच्छा खासा कंट्रोल कर दिया है यहाँ पे कासिम अब्बास ने, और थोड़े से मैं जो रन्स बन रहे थे उसके रफ्तार को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा हुआ है, और यहाँ पे 118 पे 3 आउट है 13 ओवर के बाद। इसमें तमाम गेंद को खेलने में कामयाब रहे ऑन साइड पे, दबड़ कर 1 रन मुकम्मल किया, 1 रन पे इतफा करना पड़ा, स्ट्राइक रोटेट। इसमें तमाम स्कूप करने में कामयाब रहे बैट्समैन
शॉट को खेलते ही डाई लगाई बैट्समैन ने हर गेंद पाइले की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन पार कर गई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 123 तीन विकेट के नुकसान पे। है ना ऊपर वहाँ से पेन के हवा से नीचे आते तीसरे गेंद के लिए इमरान राइट आर्म राउंड द विकेट सामना करेंगे जीतू बाबूजी। जीतू बाबूजी 10 रन पे नॉट आउट और इसमें तब अच्छी शॉट बॉल के ऊपर गए पुल करने में कामयाब रहे स्कॉले के पोजीशन पर लेकिन यहाँ पे फील्डर मौजूद है सिर्फ एक रन बनेगा गुड फील्डिंग। जितने उम्दा शॉट उतने उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। जरहाना शॉट इसमें तबाह बैट विकेट की पोजीशन पर उठा के केले फील्डर मौजूद वहां पे और कैच लेने में कामयाब रहे फील्डर और यहां पे सुधीर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपने विकेट गंवा बैठे आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस। चौथा नुकसान उठाना पड़ा स्काई वॉकर सीसी को 124 के मजबूत स्कोर पे सुधीर आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस। जरेश इज द न्यू बैट्समैन एक मरतबा एक और ऊंचा शॉट लेकिन महफूज शॉट करीब कोई फील्डर मौजूद नहीं मेडअप की पोजीशन पर एक रन मिलेगा। ओवर नंबर 14 नाउ कंप्लीट 127 फदिल असा 4 विकेट।
यहाँ पे अच्छी ट्राई आपने पाली थ्रू में और कार्टिंग बॉल प्लेटेड गेंद थी जिसको जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे और आपने पाली थ्रू में खींचने में कामयाब रहे हसन फाजिल। पांचवा नुकसान स्काई वॉकर्स के लिए। नया आने वाला बैट्समैन वसीम अकरम बाहर से खेलने वाले सामना करेंगे हसन फाजिल का। लास्ट बॉल ऑफ द 15th व 130 फॉर द लास्ट 5 विकेट। अच्छा खासा कमबैक किया है वे ब्लाजिंग मेंडिस के बॉलरों ने। फुल करना चाहते थे अपील फॉर द लेग बिफोर बट अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। ओवर मुकम्मल आफ्टर 15 हुआ 130 फॉर द लास्ट 5। कासिम अब्बास टू कंटिन्यू। पहले गेंद आप सबसे बाहर कट कर भी कामयाब रहे। ऑफ साइड पे जेतू दौड़ कर दूसरा रन भी मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तीसरे रन के लिए भी जा रहे थे लेकिन यहाँ पे अच्छी थ्रो। इस पर रूम बना के गेंद को सीधे पर टाइम नहीं कर पाए। शॉर्ट पॉइंट की पोजीशन पर गेंद आई। दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे जीतू लेकिन बना किया इस वक्त वसीम ने। एक रन पे दीपा करना पड़ा। वसीम अकरम अब स्ट्राइक पे। इस वक्त बागेंद को स्वीप करने में कामयाब रहे मिस बिल्डिंग और इसके नतीजे में रन हासिल किया दोनों बैट्समैन। दूसरे रन के लिए वापस जाना चाहते थे मिस अंडरस्टैंडिंग लेकिन पहुंच गए। गुड रनिंग दो रनों का इजाफा। राउंड द विकेट अब गेंद करेंगे कासिम अब्बास अपने आखिर ओवर के चौथे गेंद के लिए। सामना करेंगे वसीम।
जारिहाना शॉट बी ट्रिपल टाइमिंग स्टाइलिश शॉट और लॉन्ग कीपर से मैक्सिमम पहला छक्का वसीम अकरम के बल्ले से खूबसूरत तरीके से इस गेंद को टाइम किया और लॉन्ग ऑक्यूपेशन पर बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। इस मरतबा एक और ऊंचा शॉट लेकिन महफूज शॉट लॉन्ग ऑक्यूपेशन पर गेंद आई एक रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट लास्ट बॉल ऑफ द 16th ओवर अच्छी गेंद थी दीपाइन दास इस गेंद को खेले डॉट बॉल ओवर मुकम्मल यहां पे अपना स्पेल मुकम्मल किया कासिम अब्बास ने चार ओवर किए 20 रन दिए एक विकेट हासिल की। ओवर नंबर 16 नाउ कंप्लीट 142/5। लबीब को लाया है दोबारा बॉलिंग करने के लिए हल्के से इस गेंद को कट करने में कामयाब रहे पॉइंट की पोजीशन पर वसीम और चांस हो सकता था रन आउट का लेकिन ओवर थ्रो के नतीजे में दूसरा रन हासिल किया दो रन का इजाफा स्कोर में। दूसरे रन के लिए वापस लेकिन यहाँ पे अच्छी थ्रो एक रन पे इतफाक करना पड़ा। जिस आगाज को फराहम किया था यहाँ पे शबीर अली ने उसके बाद अच्छा खासा कंट्रोल किया है एक बड़े टोटल से रोक के रखा हुआ है तकरीबन बैट्समैनों को ब्लाजिंग मैनर्स के बॉलरों ने 145/5 वो नंबर 17 नाउ प्रोग्रेस। इसमें दिमागी इनको खेलने में कामयाब रहे ऑफ साइड पे दूसरा रन के लिए वापस और दूसरा रन भी मुकम्मल। अच्छी गेंद इसमें तबा करेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर दबड़ कर रन मुकम्मल किया बाई की सूरत में दोनों बैट्समैनों ने। पुलटास यहाँ पे गेंद को खेलने में कामयाब रहे लॉन्ग ऑक्यूपेशन पर वसीम और एक ही रन पे इतफा करना पड़ा।
लास्ट बॉल ऑफ द 17th ओवर सीथर पर टाइम नहीं कर पाए इस मरतबा जीतू ऑन साइड पे गेंद आई दबड़कर एक रन मुकम्मल किया स्ट्राइक रोटेट इस एक रन के साथ इनिंग्स की 150 ऑफ ओवर मुकम्मल आफ्टर 17 हुआ 150 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट हसन फाजिल दोबारा है बॉलिंग करने के लिए अपने तीसरे ओवर के लिए इनिंग्स का 18वां हुआ पहले गेंद पुल टॉस करने में कामयाब रहे स्क्वायर की पोजीशन पर जेतू और वहां पे फील्डर मौजूद कैच लेने में कामयाब रहे और यहां पे एक और विकेट हासिल की हसन फाजिल ने अपनी टीम के लिए छठा नुकसान उठाना पड़ा स्काई वॉकर्स को 150 के मजबूत स्कोर पर जेतू यहाँ पे आउट होकर फील्डिंग की तरफ वापस थरिंदा सिल्वा इस जदयू बैट्समैन सामना करेंगे हसन फाजिल का पहले गेंद को सीधे पर टाइम नहीं कर पाए दबड़कर एक रन मुकम्मल किया स्ट्राइक रोटेट वसीम अकरम अब स्ट्राइक पे इस वक्त मैं जारहान अंदाज से खेलना चाहते थे अपील की लिग बिफोर की द फिंगर इज अप इज गॉन एक और विकेट यहाँ पे हसन फाजिल के नाम इस ओवर में और यहाँ पे वसीम अकरम लिग बिफोर आउट होकर पबिलिंग की तरफ वापस सातवां नुकसान उठाना पड़ा स्काई वॉकर्स को 151 के मजबूत स्कोर पे वसीम अकरम आउट होकर पबिलिंग की तरफ वापस एक और लिग बिफोर की जबरदस्त अपील ले आने वाले बैट्समैन चंद्रू की अगेंस्ट हसन फाजिल की लेकिन अंपायर ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया हसे एक्साइटेड नजर आ रहे थे यहाँ पे हसन फाजिल रिव्यू लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पे टाइम आउट
इसमें तबागिन को अकेले में कामयाब रहे। चंद्रू ऑफ साइड पे दबड़ कर एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट लास्ट बॉल ऑफ द 18th। कामयाब बॉलर रहे इस इनिंग्स में हसन फाजिल। अभी तक 2.5 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं। सामना करेंगे थरिंदा सिल्वा। 49 शॉट, ब्यूटीफुल टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर मुकम्मल आफ्टर 18 हुआ 158/7। आखिरी दो ओवर का खेल बाकी पहले इनिंग्स का। लबीब अहमद अपने आखिरी ओवर के साथ शॉर्ट गेंद यहाँ पे कट करने में कामयाब रहे। पॉइंट की पोजीशन पर तरिंदा दूसरे रन के लिए वापस और दूसरा रन भी मुकम्मल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 161/7। एक टाइम पे जब पावर प्ले के ओवर चल रहे थे तो 13 रन पर ओवर के हिसाब से रन बन रहे थे, लेकिन अभी तक उसके बाद अच्छा खासा कंट्रोल किया खासतौर पर 10 ओवर के बाद। और अभी करंट रन रेट है 8.70। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रन अगर इस तरह से चलते रहे तो 170 तक स्कोर बन सकता है, जो कि चेस करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगा ब्लाजिंग बैंडस के लिए। इसमें तबाह पीछे हटते हुए इस गेंद को कट कर भी काबे आप रहे और साइड पे दबड़ कर सिंगल रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट चंद्रू अब स्ट्राइक पे। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में 346 बाउंड्री लग चुके हैं जबकि 168 सेक्स लग चुके हैं।
और थर्ड अंपायर का डिसीजन इज रन आउट, यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा स्काई वॉकर्स को। अपनी क्रीज से आगे आ चुके थे बैट्समैन और यहाँ पे चालाकी दिखाई लबीब अहमद ने, रन आउट कर दिया बैट्समैन को। लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स, हसन फाजिल टू कंटिन्यू, सामना करेंगे चंद्रू, अनीश हुसैन इज द न्यू बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पे मौजूद, 163 फॉर द लास्ट ऑफ 8 विकेट लास्ट ओवर। अच्छी गेंद, दबड़ कर एक रद मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने, लेकिन यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर और पाइन लेग के फील्डर गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। सो बाई की सूरत में चार रन मिले टीम को। अच्छी गेंद थी, इसमें तब अकेले में नाकाम रहे बैट्समैन, डॉट बॉल। हल्के से कट करने में कामयाब रहे स्क्वाली की पोजीशन पर, दबड़ कर एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट, आखिरी तीन गेंदों का सामना करेंगे नए आने वाला बल्लेबाज हुसैन। यहाँ पे जारहाना शॉट, ओ मिस फील्डिंग मिड विकेट की पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। जहाँ पे एक रन बमुश्किल बन जाता था वहाँ पे चार रन मिले बैट्समैन को। पहले गेंद पे चौका लगाने में कामयाब रहे हुसैन, आखिरी दो गेंदों का खेल बाकी। अच्छी गेंद, बीट कर दिया इसमें तब बैट्समैन को, डार्ट बॉल लास्ट बॉल 172। इसमें तबाह गेंद को खेलने में कामयाब रहे ऑन साइड पे,
दबड़कर एक रन मुकम्मल किया। इसी के साथ इनिंग्स का अख्तिताम 100 टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 173 रन्स बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पर स्काई वॉकर्स ने, और 174 रन्स का टारगेट मिला है ब्लाइजिंग मेंडेस को। वेलकम बैक। दूसरे इनिंग्स के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत। 174 रन का टारगेट मिला है ब्लाइजिंग बर्नेस को। इस फाइनल मैच में दोनों ओपनर बल्लेबाज आसिफ रजा और फ्रेंच क्रिस पे मौजूद। वसीम अकरम बॉलिंग के आगाज में तीसरे गेंद के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आई गेंद की अच्छी गेंद बल्ले के करीब से गुजरती हुई गेंद आई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। रालो पकी देख रही है माल आ रहा का तो हुजम का वाला सीमांत नगरी क्लीनर टैलेंट और पे नहीं जाती उससे नहीं जाता है। हमने जोन का किया था, हम क्लीनर भी बात कर रहा था। अच्छी गेंद एक मरतबा फिर गेंद गिलान को समझ न सके आसिफ रसा, गेंद आई विकेट कीपर के पास, एनदर डॉट बॉल। एक और अच्छी बॉल, अभी तक 5 बॉल डॉट खेल चुके हैं आसिफ रजा। एक और अच्छी गेंद आश्रम से पर पड़ने के बाद गेंद बाहर की जारी वो हुई गेंद है विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। सो एक मिडन ओवर यहाँ पे अख्तितम पजीर वसीम अकरम का लाजवाब बॉलिंग।
इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी। जरेश को यहाँ पे बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। सामना करेंगे प्रिंस। अब सबसे काफ़ी बाहर थी। अगेन वाइड बॉल पस एक्स्ट्रा। स्काई वॉकर्स और ब्लेजिंग बैंडस के दरमियान इस वक्त एक फाइनल मैच जारी। पावर प्ले क्लेश ऑफ टाइटन टूर्नामेंट के सिलसिले में किंगस्टोन ग्रोन वन शारजा पे, जहाँ पे जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे मिस्टर आकाश इंग्लेश्वर। 174 रन का टारगेट मिला है ब्लेजिंग बैंडस को। इस वक्त ब्लेजिंग बैंडस की बैटिंग जारी। दोनों ओपनर बैट्समैन क्रीज पे मौजूद। जोरदार तरीके से गेंद को खेलना चाहते थे, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। फाइनल की पोजीशन पर गेंद आई, दबड़ कर रन मुकम्मल किया और एक ही रन पर इतफा करना पड़ा बाई का इशारा अंपायर की जानिब से।
تیسری اوور کا کھیل اس وقت جاری 16 فی دلا صاف ون وکٹ وسیم اکرم اپنے دوسری اوور کے ساتھ اسد علی نیا آنے والا بیٹسمین جوائن کر رہے ہیں آصف رضا کو آصف رضا اس وقت اسٹرائک پہ سامنا کریں گے وسیم اکرم کا پاور پلے کا کھیل اس وقت جاری کنگسٹن گور ون شارجہ پہ بلازنگ بینڈکس اور اسکائی واکرس کے بیچ میں فائنل میچ اس میں تباد چی گیند پیڈ بھی لگی گیند اپیل فتح لگ بھی پو بٹ امپائر کا اشارہ ناٹ آؤٹ لکشم کو مس کر رہی تھی گیند از ڈاٹ بال کرن رن ریٹ اس وقت 6.40 ریکوائرڈ رن ریٹ 9 رنس پر ہوا وسیم ونس اگین لیفٹ آرم اوور دا وکٹ آئی گیند کی یار کرنے کی کوشش کلائی کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو گیند میں کامیاب رہے آن سیٹ پہ بٹ رن بنانے کا موقع نہیں اندر ڈاٹ بال ابھی تک 1.4 اوور میں دو رنس دے کر ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں کیا اپنے پہلے وکٹ کی تلاش میں دو وائڈ بال پھینک چکے ہیں اور اس سے پہلے اوور میں ڈن رہا تھا تو اس اوور میں بھی 4 ڈاٹ بال اور آصف رضا ہے اسٹرائک پہ اس میں تو بسی دبلے کے ساتھ اس گیند کو کھیلے آف سائڈ پہ فیلڈر موجود تھوڑی سی مس فیلڈنگ جس کے نتیجے میں رنس حاصل کیا آصف رضا نے اسٹرائک روٹیٹ اسد علی آف اسٹرائک پہ امپائر سے گارڈ لینے میں مصروف اسد علی سامنا کریں گے وسیم اکرم کا اپنے دوسرے اوور کے آخری گیند کے ساتھ دبڑنا شروع کیا امپائر کے پاس پہنچے گیند کی یارک انلینڈ ڈیلیوری آخری مومنٹ پہ کھیلنے میں کامیاب رہے اسد علی رن بنانے کا موقع نہیں ڈاٹ بال اوور مکمل افٹر 3 ہوا 17 فی دلا صاف 1 وکٹ جریش ٹو کنٹینیو اس سے پہلے اوور میں 13 رن دے کر 1 وکٹ لے چکے ہیں سامنا کریں گے آصف رضا یہاں پہ اچھی ٹائمنگ مڈ آن کی پوزیشن پر اور گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی 4 رنوں کے لیے پہلا چوکا آصف رضا کے بلے سے یار کرنے کی کوشش ڈاؤن دا لیگ اسٹمپ کلیکٹ نہیں کر پائے وکٹ کیپر مس فیلڈنگ پانلی کی پوزیشن پر گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی امپائر کا اشارہ وائڈ بال اور 5 رنوں کا اضافہ سکور میں
सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव किया, मिड आपके पोजीशन पर आसिफ रजा ने दबलकर एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट, असद अली अब स्ट्राइक पे 27 ऑन द बोर्ड पर, दिलासा पन विकेट। इनिंग्स का चौथा ओवर जारी, 174 रनों का टारगेट मिला है ब्लाइजिंग बैंडर्स को 20 ओवर में। ओवर नंबर 4 नाउ कंप्लीट, 37 ब्लाइजिंग बैंडर्स का स्कोर, फिदिलास अप 1 विकेट।
अच्छी कट शॉट थी इस मतबास को अहले की पोजीशन पर आसिफ रजा की जानिब से, और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई चार रन के लिए एक और चौका 24 रन पे जा पहुंचे आसिफ रजा। 22 गेंदों का सामना किया है, 43 ऑन द बोर्ड फॉर दिलासा पॉइंट विकेट, 93 गेंदों पे 131 रन मजीद चाहिए। करंट रन रेट है इस वक्त 9.56 जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 8 रन पर हुआ। अनिश वंस अगेन डाउन द लेग स्टंप अपील कर रहे थे, लेग बिफोर कार्ड बिहाइंड की, बट अंपायर का इशारा टाई पेड से लेने के बाद गिर रहे थे विकेट कीपर के पास। एक और लेग स्टंप से बाहर थे अगेन, इसमें तबा वाइड बॉल, 30 रनों की पार्टनरशिप 16 गेंदों पर दोनों बैट्समैनों के दरमियान बन चुकी है। एक रन पे खेल रहे असद अली अभी तक सिर्फ 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं जबकि 24 रन बनाए हैं आसिफ और रजा ने। एक और कार्ड बिहाइंड की अपील, लेकिन बैट से लेने के बाद गेंद आए थे विकेट कीपर के पास। लास्ट बॉल ऑफ द फिफ्थ हुआ, लेदर वायर डाउन द लेग स्टंप, स्कोर में एक और रन का इजाफा। इस मतबा खिलाड़ी का इस्तेमाल ऑन साइड पे, फील्डर मौजूद, गुड फील्डिंग, रन बनाने का मौका नहीं दिया बैट्समैन को। डॉट बॉल ओवर मुकम्मल आफ्टर 5 हुआ, 45 पर दिलासा पॉइंट विकेट। बॉलिंग में तब्दीली, चंद्रू को बुलाया बॉलिंग करने के लिए, पहले गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। चंद्रू के पास भी आज एक मौका है, अगर 3 विकेट लेने में कामयाब रहे तो टॉप बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकता है। यहाँ पे अच्छी ड्राइव लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर और तीर के साथ रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने, स्ट्राइक रोटेट। स्लो वन डिलीवरी, आहिस्ता से इस गेंद को कट किया, रन बनाने का मौका नहीं। डॉट बॉल,
इसमें तब अकलाई का शिमाल आसिफ रजा की जानिब से स्क्वाले की पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। चंद्रू वंस अगेन इसमें तब आप से काफ़ी बाहर थी। गेंद इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इसे एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 पे दिलासा 1 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ द पावर प्ले और अनदर वाइड लिस्ट हमसे काफ़ी बाहर। वंस अगेन चंद्रू राइट आर्म ब्राउन ओ लीडिंग एज बट करीब कोई फील्डर मौजूद नहीं। बाल बाल बचे यहाँ पे आसिफ रजा डॉट बॉल ओवर मुकम्मल आफ्टर पावर प्ले 54 ऑन द बोर्ड। ब्लाइजिंग बेंडिक्स का स्कोर पर दिला साहब 1 विकेट।
اس مرتبہ پار بڑھا کر اس گیند کو کٹ کرنا چاہتے تھے۔ بیٹ ہوئے اسد علی، گیند آئے وکٹ کیپر کے پاس، ڈاٹ بال، علی شاہ اپنے دوسرے اوور کے ساتھ، انس کا یہ سات پاور اوور جاری۔ اچھی کٹ شاٹ، آف سائڈ پہ ایک رنز ملے گا، مس فیلڈنگ، دوسرے رنز کے لیے باغ پڑے اور دوسرا رن بھی مکمل کیا۔ اچھی رننگ بٹوین دی وکٹ دونوں بیٹس مینوں کے درمیان، کرن رن ریٹ 8.76، ریکوائرڈ رن ریٹ ہے 8.45۔ اچھی گیند، وکٹ میں آنے والے اس گیند کو دیپائندہ سے کھیلے، اپنے پارو تھرو میں گیند کو پیڑ کیا انیش نے، ڈاٹ بال، گڈ بالنگ، 8.74 از دا ریکوائرڈ رن ریٹ، 8.62 از دا کرنٹ رن ریٹ۔ سو 81 گیندوں پہ 118 رنوں کی ضرورت۔ اس میں تو بس سیدھے بلے کے ساتھ گیند کو پش کر بھی کامیاب رہے، آف سائڈ پہ دبڑ کر ایک رد مکمل کیا، اسٹرائک روٹیٹ۔ آصف رضا بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے بیٹس مین 28 رنس پہ ناٹ آؤٹ، ونس اگین اسٹرائک پہ سامنا کریں گے انیش کی پانچویں گیند کا۔ چندرو اپنی بالنگ جاری رکھیں گے اپنے دوسرے اوور کے ساتھ، 59 پہ دلا صاحب ون وکٹ، 7.91 اوور کے بعد 115 رنز مزید چاہیے 77 گیندوں پہ۔ اسد علی اسٹرائک پہ، سات گیندوں پہ پانچ رنز بنا چکے ہیں اور یہاں پہ لیفٹ ہم سے باہر تھی، گیند گلانس کرنا چاہتے تھے، ناکام رہے۔ امپائر کا اشارہ ہوا ایڈ بال، ایکسٹرا کی صورت میں ایک اور رنز جوڑا ٹوٹل میں۔ پھر نیا بلہ آپ کو ملے،
विकेट मारने वाले इस गेंद को आखिर मोमेंट पे खेलने में कामयाब रहे। ऑन साइड पे असद अली दबड़कर एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट पांचवी गेंद के लिए चंदरू सामना करेंगे असद अली। अच्छी गेंद आखिर मोमेंट पर गेंदने में कामयाब रहे और तीरी के साथ एक रन मुकम्मल किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों के दरमियान। 49 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है 35 गेंदों पे दोनों बैट्समैनों के दरमियान। कलाई का इस्तेमाल आसिफ रजा की जानब से मैदान की पोजीशन पर एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल दोनों बैट्समैनों के दरमियान। ओवर मुकम्मल आफ्टर 8 वॉ 64 फदिला साहब 1 विकेट। अनीश अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे सामना करेंगे आसिफ रजा। हाँसी देर से क्रिस में मौजूद 32 रन पे नॉट आउट 35 गेंदों का सामना कर चुके हैं। यहाँ पे जारहाना शॉट स्ट्रेट के लिए और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए एक और चौका। अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा आसिफ रजा की जारिब से। थोड़े से मुख्तात अंदाज से खेलने का एक स्टाइल है आसिफ रजा का लेकिन लंबे खेलने वाले बैट्समैन और ऐसे ही एक एंड से विकेट रोकने के लिए यहाँ पे आसिफ रजा मौजूद। इसमें तो बस इधर पर टाइम नहीं कर पाए रन लेना चाहते थे यहाँ पे असद अली लेकिन मना किया आसिफ रजा ने वापस आना पड़ा। अब इसमें तो बस शफल करते हुए गेंद को खेलने में कामयाब रहे। ऑन साइड पे आसिफ रजा एक रन मुकबल किया और एक ही रन पे इतिफा करना पड़ा।
यहाँ पे जारहाना शॉट, गेंद हवा में लॉन्ग ऑक्यूपेशन पर, बैटर गेंद के नीचे और यहाँ पे कैच लेने में कामयाब रहे। एक गैर जमींदाराना स्ट्रोक लगाते हुए अपने विकेट गंवा बैठे असद अली। आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस, दूसरा नुकसान उठाना पड़ा ब्लाजिंग बैंडेज को। असद अली की सूरत में एक अच्छा पार्टनरशिप यहाँ पे मुकम्मल हो चुका था, जिसको तोड़ने में कामयाब रहे इस वक्त स्काई वॉकर्स के बॉलर अनीश। लबीब अहमद इज़ द न्यू बैट्समैन और एक अच्छा माइनाज ऑलराउंडर ब्लाजिंग बैंडेस का सामना करेंगे अनीश के आखिरी गेंद का। अच्छी गेंद सीतर पर टाइम नहीं कर पाए, डॉट बॉल ओवर मुकम्मल आफ्टर 69 for 2। शबीर अली को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए, सामना करेंगे आसिफ रजा। आप सबसे काफ़ी बाहर थी, गेंद खेलने में नाकाम रहे बैट्समैन, डॉट बॉल अंपायर की जानिब देखा, शायद बात करार देगा लेकिन अंपायर अपनी जगह पे खामोश। इस मतलब आप सबसे बाहर थे, गेंद इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। अनदर डॉट बॉल, गुड बॉलिंग फ्रॉम शबीर अली। शबीर अली और क्रिस पे मौजूद बैट्समैन लबीब अहमद के दोनों के दरमियान इस वक्त एक मुकाबला जारी, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज एंड मैक्सिमम सक्सेस के लिए। शबीर अली इस वक्त टॉप पोजिशन पर है, लबीब अहमद की इनिंग्स अभी बाकी, क्रिस में मौजूद नाइन स्ट्राइक पर मौजूद। इस मरतबा जारहाना शॉट स्ट्रेट के लिए, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। एक और चौका यहाँ पे आसिफ रजा के बल्ले से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 for 2। सही तौर पर टाइम नहीं कर पाए लेकिन तेजी के साथ रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। स्ट्राइक रोटेट,
लबीब अहमद अब स्ट्राइक पे सामना करेंगे शबीर अली का। 9.4 ओवर के बाद 74 पर दिलास अप टू, मजीद 100 रन चाहिए 62 गेंदों पे। इतना बड़ा हदफ नहीं है लेकिन विकेट भी 8 महफूज है ब्लाजिम बंडेज के साथ, लेकिन सारे जिम्मेदार इस वक्त आसिफ रजा और लबीब अहमद के कंधों पे। एक लंबा पार्टनरशिप 50-60 रनों का इस वक्त चाहिए ब्लाजिंग बंडेज को इस दोनों बैट्समैनों के दरमियान। सेकंड लास्ट बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट, टॉस बनाते हुए इस गेंद को कट करने में कामयाब रहे। ऑन साइड पे तीदी के साथ एक रन मुकम्मल किया, इस एक रन के साथ अपने अकाउंट खोला लबीब अहमद ने। इस मरतबा जारहाना अंदाज से इस गेंद को खेलने की कोशिश, एक रन मिलेगा इसी के साथ ओवर मुकम्मल आफ्टर 10 ओवर 76/2। दस ओवर के बाद साइड चेंज, 99 रन चाहिए 60 गेंद पे। अनीश यहाँ पे अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, अच्छी शॉट आसिफ रजा की डीप कवर के पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे आसिफ रजा की इस वक्त जारी, 48 रन पे जा पहुँचे। 2 रन चाहिए अपने 44 रन पे जा पहुंचे। एक
सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे 48 रन पे जा पहुँचे। आसिफ रजा 2 रन चाहिए अपने हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, 46 गेंदों का सामना कर चुके हैं। और इसमें तब गेंद को कट करने में कामयाब रहे डीप थर्ड मैन की पोजीशन पर, दौड़कर एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट लबीब अहमद अब स्ट्राइक पे, 57 गेंदों पे 92 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 9.68, करंट रन रेट 7.81। अच्छी गिनती कट करने भी कामयाब रहे ऑन साइड पे लबीब, दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट आसिफ रजा स्ट्राइक पे, एक रन चाहिए हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। इस फाइनल मैच में अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया, एक एंड से बिल्कुल विकेट संभाल के रखा हुआ है। 47 गेंद का सामना किया, 49 रन बना चुके हैं। आकाश यहाँ पे गेंद को खेलने में कामयाब रहे। आसिफ रजा दबड़कर एक रन मुकम्मल किया और यहाँ पे अपने हाफ सेंचुरी मुकम्मल की आसिफ रजा ने। 48 गेंदों का सामना किया, 9 चौके लगा चुके हैं, 50 रन पे नॉट आउट आसिफ रजा। अच्छी शॉट ऑफ साइड के पोजीशन पर, एक रन मिलेगा। इसमें तब आफील इज गॉन, लबीब अहमद के इनिंग्स का खातिमा। 3रा नुकसान उठाना पड़ा ब्लाइजिंग बैंडर्स को 85 के मजमू स्कोर पे। शबीर अली यहाँ पे विकेट लेने में कामयाब रहे और जिस विकेट की तलाश थी आखिरकार मिल गई। लबीब पूरे टूर्नामेंट में अच्छे अंदाज से खेले, आज फाइनल के मैच में नाकाम रहे, जल्दी आउट होकर पॉइलिंग की तरफ वापस। हसन फाजिल इज़ द न्यू बैट्समैन, ज्वाइन कर रहे आसिफ रजा को, सामना करेंगे शबीर अली का। 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। पहले गेंद को जा रहे हाना दास खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। गेंद आई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल।
89 रन चाहिए मजीद 52 बॉल्स पे। ऐसा ऐसा इमेज सनसनीखेज होता जा रहा है इसमें तो सही तौर पर टाइम नहीं कर पाए। फिल्डर मौजूद रन बनाने का मौका नहीं। डॉट बॉल गुड बॉलिंग फ्रॉम शबीर। शबीर वंस अगेन राइट आर्म ओवर द विकेट। आई गेंद की अच्छी गेंद जाफील पर द कार्ड बिहाइंड इज गॉन। एक और विकेट है इस ओवर में शबीर की और यहां पे हसन फाजिल बगैर कोई रन बनाए कार्ड बिहाइंड आउट होकर पबिनिंग की तरफ वापस। चौथा नुकसान एक बड़ा नुकसान यहां पे ब्लाइजिंग बंडर्स के लिए और अच्छा खासा कम बैक किया है यहाँ पे शबीर अली ने अपनी टीम के लिए। दो लगातार विकेट ले चुके हैं इस ओवर में 85 फॉर 4। सैयद फराज इज द न्यू बैट्समैन सामना करेंगे शबीर का। 1.4 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। पांचवी गेंद के लिए हाई गेंद की यहाँ पे गेंद को खेलने में कामयाब रहे मिड आपकी पोजीशन पर दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट लास्ट बॉल ऑफ द 12th ओवर आसिफ रजा 1 man आर्मी इस वक्त स्ट्राइक पे ब्लाइजिंग बंडेस का पूरा सहारा 48 गेंदों पे 50 रन के साथ नॉट आउट। पुश करना चाहते थे इस गेंद को बीट हुए गेंद विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल एक कामयाब ओवर यहां पे अहतमाम पजीर हुआ जिसमें 2 विकेट लेने में कामयाब रहे शबीर अली। आफ्टर 12 86 for 2 पफो।
اس میں تباہ 49 شاٹ پلڈر موجود لانگ آکوپیشن پر لیکن یہاں پہ کے ڈراپ کر گئے ایک چانس ملا ہے پہ آصف رضا کو 92 فضیل احسا 4 کلین بول کراس گیننے گئے تھے سید پراز گیند کے لائن کی مس کیا اور یہاں پہ بورڈ ہو گئے پانچواں نقصان یہاں پہ بلیزنگ بینڈرز کے لیے سید پراز آؤٹ ہو کر پبلنگ کی طرف واپس 12 اینڈ 4 اوور کے بعد 92 فضیل احسا 5 وکٹ شازی از دی نیو بیٹسمین سامنا کریں گے جریش کا 2.4 اوور میں 38 رن دے کر دو وکٹ لے چکے ہیں کھلاڑی کا استعمال عمدہ طریقے سے پائن لیگ کی پوزیشن پر اور گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی چار رن کے لیے پہلے گیند پہ چوکا لگانے میں کامیاب رہے شازی سکور آگے بڑھتا ہوا 96 کرن رن ریٹ اس وقت 7.48 جبکہ ریکوائرڈ رن ریٹ ہے 11 رنز آلموسٹ پر ہوا 10.88 ریکوائرڈ رن ریٹ اس میں تباہ گیند کو کھیلتے ہی دوڑ پڑے لیکن منع کیا آصف رضا نے واپس آنا پڑا اپنے روم میں ڈاٹ بال اوور مکمل آفٹر 13 ہوا 96/5 شبیر علی ٹو کنٹینیو اپنے تیسری اوور کے ساتھ ابھی تک 7 رن دے کر 2 اوور میں 2 وکٹ لے چکے ہیں سامنا کریں گے آصف رضا یہاں پہ اچھی شاٹ آصف رضا کی جانب سے ایکسٹرا کور کی پوزیشن پر اور گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی 4 رن کے لیے اور اس چوکے کے ساتھ ایلیس کے 100 رن مکمل بلیزنگ بینڈرز کے 100 فضیل احسا 5 شبیر علی ونس اگین رائٹ آرم راؤنڈ دی وکٹ سامنا کریں گے آصف رضا اور اس میں تباہ ایج لگا سلپ اور گلی کی پوزیشن پر بیچ میں سے نکلتے ہوئے گیند تالمین کی پوزیشن پر باؤنڈری لائن پار کر گئی بیک ٹو بیک ٹو باؤنڈری اس اوور میں جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہے آصف رضا نے لگاتار دو چوکے لگا چکے ہیں دو گیندوں پہ 40 گیندوں پہ 70 رنوں کی ضرورت
तो इसमें तो अच्छी गेंद और यहाँ पे बोल्ड कर दिया आसिफ रजा को, तीसरी कामयाबी हासिल की शबीर अली ने अपनी टीम के लिए और छठा नुकसान उठाना पड़ा। सिड बैट्समैन आसिफ रजा आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस, छठा नुकसान 104 फॉर दिलासा पर 6 विकेट और यहीं से एक टर्निंग पॉइंट, आसिफ रजा की विकेट लेने में कामयाब रहे शबीर अली और मुकम्मल तौर पर कमबैक किया है इस मैच में स्काई वॉकर्स के बॉलरों ने। यहाँ पे शबीर अली की एक और विकेट, चौथी कामयाबी हासिल की इनफरादी तौर पर, अब टीम के सातवां नुकसान उठाना पड़ा। अद्दान शिरवानी आए थे बैटिंग करने के लिए और बगैर कोई रन बनाए बोर्ड होकर पवेलियन की तरफ वापस और यहाँ पे हासा मुश्किलात का शिकार इस वक्त ब्लाजिंग बैंडर्स की टीम, 104 पे 7 विकेट गिर चुके हैं। पहले गेंद पे चौका लगाया, दूसरे भी चौका लग गया था और लगातार दो विकेट हैट्रिक में है यहाँ पे शबीर अली। एक अच्छी परफॉर्मेंस ऑलराउंडर की, बैटिंग में भी अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया था, बॉलिंग में भी अभी 4 विकेट ले चुके हैं। शुजा इज द न्यू बैट्समैन, हैट्रिक बॉल का सामना करेंगे। शबीर अपने तीसरे ओवर के पांचवें गेंद के लिए हैट्रिक बॉल के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे शुजा। दौड़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता तेज हुए, अंपायर के पास पहुंचे गेंद की और अच्छी गेंद थी विकेट में आने वाली, इस गेंद को कट करने में कामयाब रहे शुजा। ऑफ साइड पे दबड़ कर एक रन मुकम्मल किया, एक ही रन पे इतफाक करना पड़ा। शाजी अब स्ट्राइक पे, लास्ट बॉल अभी 14 पे, यहाँ पे गेंद को खेलने में कामयाब रहे शाजी। ऑफ साइड पे दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया और इसके साथ ओवर मुकम्मल, आफ्टर 14 हुआ 106 पे दिला सबसे 7 विकेट, बस ये 6 ओवर का खेल बाकी और 68 रन चाहिए। मैक्सिमम 6 शबीर अली, मैन ऑफ द मैच शबीर अली, मैन ऑफ द सीरीज शबीर अली, बेस्ट बैट्समैन शबीर अली।
एक ही बंदे को 4 अवार्ड जा रहे हैं। वसीम अकरम को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। पहले गेंद शॉर्ट बॉल ओवर द हेड, अंपायर का इशारा वाइड बॉल एंड वन फॉर द वॉ। वसीम अकरम अपने तीसरे ओवर के चौथे गेंद के लिए सामना करेंगे शुजा। और यहाँ पे गेंद को खेलने में कामयाब रहे पायल की पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, टॉप एज लगने के बाद पायल की पोजीशन पर गेंद आई और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, चौका लगाने में कामयाब रहे शुजा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 112 7 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी ये स्कोर बन सकता है अगर एक पार्टनरशिप बन जाए 35-36 रनों का, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 11 रन पर ओवर है, 32 गेंदों पे 62 रन चाहिए और इसमें तबाले अटकट करने की कोशिश नाकाम रहे। डॉट बॉल गुड कम बैक फ्रॉम वसीम अकरम। वसीम अकरम वंस अगेन आखिरी गेंद के साथ अच्छी गेंद बीट कर दिया बैट्समैन को, डॉट बॉल ओवर मुकम्मल आफ्टर 15 हुआ 112 फॉर द लास्ट ऑफ 7। मजीद 5 ओवर का खेल बाकी और 5 ओवर में 62 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। शबीर अली टू कंटिन्यू अपने आखिरी ओवर के साथ, 3 ओवर किए इससे पहले, 17 रन दिए, 4 विकेट हासिल कर चुके हैं। सामना करेंगे शाजी।
यार करने की कोशिश, लेकिन अकेले में कामयाब रहे। स्ट्रेट लॉन्ग वॉक की पोजीशन पर पिंडर मौजूद, एक रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट, शुजाव स्ट्राइक पे, लाजवाब बॉलिंग का मुजाहिरा शबीर अली की जानिब से, और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑलराउंडर इस टूर्नामेंट में। स्कोरिंग में भी टॉप पे है, मैक्सिमम सेक्स में भी टॉप पे है, और बहुत से वार्ड है जो कि आज के फाइनल मैच में मिलने वाले हैं शबीर अली को। इस मतलब हाफ रन से बाहर थे, चकमा देने में कामयाब रहे, रूम बना के इस गेंद को खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। डॉट बॉल, बेस्ट बैट्समैन में टॉप पे है, मोस्ट सक्सेस में टॉप पे है, मैन ऑफ द सीरीज में भी टॉप पे है, और आज के मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच भी करार पाएंगे। रिश्वत बागेन को खेलने में कामयाब रहे, इसी तौर पर टाइम नहीं कर पाए। डीप मिड ऑफ की पोजीशन पर एक रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट, सत्ताईस गेंदों पर 60 रनों की जरूरत, जो कि खासा मुश्किल यहाँ पे नज़र आ रहा है ब्लेजिंग बैडनेस के लिए इस टारगेट को चेस करना, क्योंकि मुस्तनत बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में वापस लौट चुके हैं। यॉर्कर लंडिलोरी आखिरी मोमेंट पे खेलने में कामयाब रहे, शाजी दबड़कर एक रन मुकबल किया। स्ट्राइक रोटेट, स्लो वन डिलीवरी खेलने में कामयाब रहे ऑफ साइड पे। शुजा दबड़कर एक रन मुकबल किया। स्ट्राइक रोटेट, लास्ट बॉल ऑफ द 16th तबा, क्लीन बोर्ड योर कल डिलीवरी, और बॉल कर दिया पे शाजी को, और अपने 5 विकेट मुकम्मल कर चुके इस मैच में शबीर अली। और इसके साथ मुकम्मल अपर 16 हुआ 116 पे, दिला साहब 8 विकेट, और वन मैन आर्मी शबीर अली 5 विकेट लेने वाले बॉलर इस फाइनल मैच में। चार ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट लेने में कामयाब रहे शबीर अली, अच्छे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। नए आने वाला बैट्समैन असगर जैदी, और यहाँ पे शुजा इस गेंद को जारहाना अंदाज से खेलना चाहते थे, और यहाँ पे काट आउट हुए। सो नवा नुकसान उठाना पड़ा ब्लेजिंग बैंडर्स के लिए। आखिर विकेट अब बाकी।
آخری وکٹ اس وقت کریز پہ موجود کیپٹن قاسم عباس اور اصغر زیدی چندرو اپنے بالنگ کے نشان پہ آخری گیند کے ساتھ لاسٹ بال آف دی 17th بال. اچھی گیند دیپائندہ سے اس گیند کو کھیلے, رن بنانے کا موقع نہیں. ڈاٹ بال اوور مکمل افٹر 17 over 120 فی دل اس اپنا 9 wicket. کیپٹن راجیش یہاں پہ آیا ہے بالنگ کرنے کے لیے. اور یہاں پہ سویپ کرنے میں کامیاب رہے قاسم عباس میکسیمم, کیپٹن ٹو کیپٹن, اور چکا لگانے میں کامیاب رہے قاسم عباس. 127 9 wicket نقصان پہ. آخری 16 گیندوں کا کھیل باقی اور 47 رنز چاہیے میچ کو جیتنے کے لیے. ہر اوور میں 18 رنز چاہیے, مطلب 3 چھکے لگانے ہوں گے ہر اوور میں. ایک اور اچھی شاٹ اس مرتبہ اسکوائلے کی پوزیشن پر قاسم عباس کی جانب سے, لیکن اس مرتبہ فیلڈر موجود, ایک رنز پہ اتفاق کرنا پڑا. اصغر زیدی اب اسٹرائک پہ, 128 9 wicket کے نقصان پر. اس میں تباہ اونچا شاٹ لیکن محفوظ شاٹ, قریب کوئی فیلڈر موجود نہیں. ایک اور سنگل رنز کے ساتھ اسٹرائک روٹیٹ قاسم عباس اب اسٹرائک پہ. راجیش اپنے 5 گیند کے ساتھ اس میں تباہ ایج لگا اور سلپ کے پاس سے گزرتی ہوئی گیند تلمین کی پوزیشن پر باؤنڈری لائن کراس کر گئی. 4 رنز ملے گئے یہاں پہ قاسم عباس کو. 133 فی دل اسف 9 wicket. 41 رنز چاہیے 13 گیندوں پہ اور آخری وکٹ کریز پہ. لاسٹ بال آف دی 18th بال. اچھی گیند اور اس میں تباہ گیند کو کہنے میں ناکام رہے قاسم عباس. اوور مکمل افٹر 18 over 133 بدلا سب 9. اس میں تباہ اونچا شاٹ آف سائڈ پہ دبڑ کر ایک رن مکمل کیا. اسٹرائک روٹیٹ قاسم عباس آف اسٹرائک پہ. تھرٹی سکس رنس چاہیے 10 گیندوں پہ.
वसीम लिफ्टाम ओवर द विकेट। यहाँ पे गेंद को खेलने में कामयाब रहे एक मरतबा फिर ऑफ साइड पर गेंद आई, दबड़ गले कर मुकम्मल किया स्ट्राइक रोटेट। ऑप्शन से काफी बाहर थी गेंद डॉट बॉल। वन थर्टी नाइन फॉर नाइन आफ्टर 18 फाइन फो। अच्छी गेंद बीट टू द वाइड साइड द स्टंप, गेंद को स्ट्रेट विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप इज डॉट बॉल। गुड बॉलिंग फ्रॉम वसीम अकरम 3.5 ओवर में 15 रन देकर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए अपनी पहली विकेट की तलाश में। लास्ट बॉल ऑफ द 19th ओवर असगर जैदी स्ट्राइक पे। इसमें तबाह गेंद को कट करी में कामयाब रहे तारमिन की पोजीशन पर, एक ही रन मिलेगा। ओवर मुकम्मल आफ्टर 19 हुआ 140 फॉर द लास्ट ऑफ 6, 34 रन चाहिए लास्ट ओवर में। इसमें तो अच्छी शॉट एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर असगर जैदी की जानिब से, लेकिन वहाँ पे अच्छी फील्डिंग, एक रन मिलेगा। अच्छी गेंद कट करना चाहते थे कासिम अब्बास, नाकाम रहे डॉट बॉल। आखिर दो गेंदों का खेल बाकी और यहाँ पे स्काई वॉकर्स इस फाइनल मैच में ऑलमोस्ट कामयाब रह चुके, क्योंकि 29 रन दो गेंदों पे इम्पॉसिबल। फुल टॉस अपील फॉर द लीग बिफोर इज गॉन, और इस तरह स्काई वॉकर इस मैच में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे।